क्योंकि कल रात पेस्ट्री लाए थे और क्या कहते हैं खाना भूल गए से। तो देखो मैंने अपने चश्मे बनाए हैं, तो वैसे तो सेम टू सेम लग रही है उसी की वजह से, पर साइज मिल गया इसलिए अच्छे लग रहे हैं। हम जा रहे हैं पौंटा साहिब, तो रास्ते में पौंटा साहिब भी पड़ता है तो हम वहाँ पे दर्शन करके भी जाएंगे। हम हैं आधे रास्ते में और सोनू छिल रही है खीरा। हम पहुंच गए हैं सोलन, और भाई सोलन का मार्केट इतना जबरदस्त है ना कि क्या बताऊं, इतना जगह पूरा फैल रखा भाई वो। जैसे फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो अभी आपको सस्पेंस में रखते हैं, बता देते हैं तो अंकित बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, मैं सुमन। और कैसे आप लोग सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों कल हम देहरादून में पहुंच गए थे और कल आपको ब्लॉगिंग नहीं कर पाए क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक गए थे और लेट भी आए क्या कहते हैं मार्केट से। तो देखो मैंने अपने चश्मे बनाए हैं, तो वैसे तो सेम टू सेम लग रही है उसी की वजह से, पर साइज मिल गया इसलिए अच्छे लग रहे हैं, मुझे कम्फर्ट लग रहा है। और क्या कहते हैं अभी बज रही है 5 और अभी हम निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं यहाँ से। तो अभी आपको रास्ते बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत सुंदर सी जगह पे जा रहे हैं हम आपको बताएंगे। और अभी मैं सामान वगैरह सब पैक कर दिया है तो अभी निकल रहे हैं। ये देखो, ये देखो, हेलो गुड मॉर्निंग, ये भी तैयार हो गया है और ये रहा सामान, ये सब पैक कर दिया है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं और मिलेंगे अभी अभी आगे आपसे। हम निकल रहे हैं यहाँ से और देखो अभी मौसम कैसा हो रखा है यहाँ का, और अभी बज रही है 5:30 बजने वाली है। तो वैसे तो 5 बजे निकलना था पर इतना करते करते नींद ही नहीं खुली, तो सुबह का टाइम इतना अच्छा लग रहा है ना, दिन में इतना ट्रैफिक रहता है, उस टाइम इतना सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि काश ऐसा ही रहता। तो अभी चलते हैं, हम भी हम निकल गए हैं और सुबह पेस्ट्री खा रहे हैं क्योंकि कल रात पेस्ट्री लाए थे और क्या कहते हैं खाना भूल गए, मतलब पेट फुल हो गया था तो खाया नहीं, तो अभी खा रहे हैं। तो क्या कहते हैं अभी निकल रहे हैं यहाँ से और अभी आपको आगे जाके बताऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं। अब ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगी, तो आगे जाके हम आपको बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत सी जगह है, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा वैसे कि कहाँ जा रहे हैं आप यहाँ से, फिर भी पता चला तो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। पहले आप देखो कितनी अच्छी लग रही है अभी यहाँ पर रोड, ये देखो कितनी प्यारी, मतलब अभी असल में इतनी शांति शांति, दिन में पैर रखने की जगह नहीं होती है, अभी बिल्कुल मस्त खाली सी रोड होती है। तो अभी हम जा रहे हैं और अभी आपसे मिलेंगे थोड़ी देर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते, तो प्रेमनगर से आगे पहुंच गए हैं हम, और प्रेमनगर से तो बहुत ही ज़्यादा आगे पहुंच गए हैं। अभी हम जा रहे हैं पौंटा साहिब, तो रास्ते में पौंटा साहिब भी पड़ता है तो हम वहाँ पे दर्शन करके भी जाएंगे। हम कभी गए नहीं हैं गुरुद्वारे में वहाँ पे, तो मेरा बहुत मन था जब मैं यहाँ भी रहती थी देहरादून में, तो मैं कहाँ कहाँ रहती थी ना, वैसे श्रीनगर में भी रहती थी, यहाँ भी रहती थी, तो मैं यहाँ पे बहुत मन था, तो मैंने सोचा कि जाते जाते रास्ते पे दर्शन करके जाते हैं। तो अभी हम राधे रास्ते पे पहुँच गए, मतलब पहुँचने ही वाले हैं अब, 1-2 किलोमीटर ही बचा होगा, तो आपको भी सुबह सुबह दर्शन करवाएंगे पौंटा साहिब जी के। तो अभी मिलते हैं आगे, और रास्ता कुछ ऐसा है यहाँ पे का, और दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारे में, और यहाँ पर आते ही पहले बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, तो अभी चलते हैं। और उसके बाद हम अंदर दर्शन करने गए, तो यहाँ पे बैठने का बहुत ज़्यादा मन था पर हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम यहाँ पे माथा टेक के निकल गए। और ये रही पौंटा साहिब का पूरा जो क्या बोलते हैं एक नक्शा टाइप का, मैप टाइप का वो बना रखा है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमने थोड़ा यहाँ पर प्रसाद भी लिया, और प्रसाद लेने के बाद फिर हम यहाँ से निकल गए। तो
अभी हम ज्यादा हम भी सस्पेंस में नहीं रख रहे हैं आपको। तो अभी हम पौंटा साहिब दर्शन करके आ गए हैं और अभी हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अभी आपको सस्पेंस में रखते हैं, बता देते हैं। तो अंकित बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं दोस्तों शिमला। तो अभी हम शिमला जा रहे हैं और काफी टाइम से हमारा मन था, पिछले साल भी हमने प्लानिंग की थी बट हम फिर नैनीताल गए। तो कोई नहीं, वहाँ नैनीताल भी तो घूमना था, वहाँ भी घूमना था बट हम कंफ्यूज थे ना कि किस में जाएं। तो हमने सोचा कि अगले साल यहाँ जाएंगे, पर एक हमारा ये है ना कि मोटिव कि हर साल जाना, एक ट्रिप बनाना है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। और जो ना खासकर ऐसे जॉब वगैरह करते हैं या कोई भी घर में भी कोई हो ना, तो एक ही जगह पर रह रहे ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। हमारा तो क्या है भाई, गोचर टनल के अंदर जा के दिमाग ही खराब हो गया। तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है बाहर आके, तो इसलिए अभी जा रखे हैं हम। और अभी जा रहे हैं हम आगे पहुंच गए पौंटा साहिब से, आगे नहान करके है कोई वो जगह, तो वो अभी वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और 179 किलोमीटर अभी शिमला है। तो वहाँ पे शिमला के अंकित के बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं, तो इतना हेल्पफुल लोग है वहाँ पे के, मतलब ऐसे बाहर के लोग तो बहुत अच्छे, हमारे वहाँ के भी ऐसी बात नहीं है, अच्छे होते हैं जरूर। तो उन्होंने मतलब काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल कर देना, उन्होंने रास्ता वगैरह बताया। तो अभी हम निकल रहे हैं और अभी आपको रास्ते में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि क्या क्या है वहाँ पे, और आपको भी दिखाएंगे पूरा कि जितना हम घूम पाएंगे। तो छुट्टियाँ तो वैसे कम है, तो कोशिश करेंगे कि आज और कल में जितना भी हम कवर कर पाए आपको दिखाएं। तो अभी चलते हैं और धूप भी आ गई है। अभी हमको टाइम कितना हो रहा होगा, अभी तो 7 बज रहा है, अभी 7 बज गई है और हम पहुँच गए। तो जो वहाँ के इसके फ्रेंड लोग हैं तो उन्होंने कहा कि हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो अभी चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे आगे, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं शिमला की काशीवाला, शिमला के अंदर, मतलब अभी 138 किलोमीटर आगे है शिमला। और शिमला तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे साइड का है, वैसी गोल गोल घुमाओ घुमाओ वाले रास्ते हैं यहाँ पे। तो ये देखो इतना सुंदर लग रहा है, और मौसम भी मुझे डर लग रहा था कि ठंडा होगा और मैं गलती से यहाँ इतने ठंडे ठंडे कपड़े लेके आ गई। तो अभी हम चलते हैं और धूप भी देखो, धूप भी आ गई है, अभी मिलेंगे। तो दोस्तों हम रुक रखे हैं आधे रास्ते में और सोनू छिल रही है खीरा है? तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ आके, हैं? हाँ यार वो चीज़ तो है, पूरे ऐसे लग रहा है जैसे अपने साइड हो, अच्छा भी लग रहा ना। तो दोस्तों एक चीज़ है भाई, हिमाचल में ना सारी हिमाचल की गाड़ियाँ दिख रही भाई, उत्तराखंड की गाड़ी दिखी नहीं रही भाई एक ना, क्या है शायद हो सकता है। पर ये देखो ना पूरा गांव का जैसा है इधर, जैसे हमारे इधर है सेम पूरा, ये देखो ना पहाड़ पहाड़ वैसे ही। चले ये है दोस्तों कुमार हट्टी, यहाँ का कुमार था। अब यहाँ से भाई जाएंगे, अब हम सीधा शिमला की, अब ये जो अगला स्टेशन आएगा वो सीधा शिमला आएगा। 59 किलोमीटर पे शिमला पड़ेगा, पहुंच गए हैं कुमार हट्टी में। तो ये आखिरी स्टेशन है, इसके बाद शिमला आएगा। अभी 59 किलोमीटर है इसके बाद, यानी कि हमारे कर्णप्रयाग से और श्रीनगर पहुंचना इतना बचा हुआ है अभी। तो यार बहुत अच्छा लग रहा है यार और ये मैचिंग हो रही है। हाँ यार हम दोनों का कलर ऐसा क्यों है, तेरा कलर ऐसा मेरी कमीज। तो दोस्तों अभी नाश्ता नहीं किया इसलिए आवाज भी थोड़ा, और नाश्ता इन्होंने खुद से नहीं किया है, इसने मेरे को कब से लगी हुई इसको मैं पता नहीं, सो कौन सा कैफे या कौन सा रेस्टोरेंट चाहिए, खुद से नहीं किया मतलब, तो तब से लगी हुई मैं कर नहीं रहा है, मतलब कुछ लोग ऐसे ना सोचे कि मतलब मैंने ना, अदरवाइज मैंने अपनी तरफ से जो मेरे पास था अपना कोटा उसमें से मैंने खीरा बिस्किट दे दिए, ड्राई फ्रूट वाले बिस्किट। भाई तो यहाँ आके ना और कुछ नहीं रहा, नींद इतनी गंदी आ रही ना, हम सुबह 5:30 बजे से चले और उठ 4:30 बजे गई थी। हाँ तो वैसे हुआ उतना, हाँ तैयार होते पैकिंग करते करते यहाँ
ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल, जैसे हमारे गांव में नहीं है बौला में वैसी हवा चल रही है, तो ठंडी हवा में ना आंखें ऐसे हो रही ना भारी भारी जैसे लग रही। तो चलो अभी आपसे सीधा मिलेंगे वहां पे जाके, यानी शिमला जाके। ढाबा आ गया, ये मजा आ गया। दोस्तों अभी हम यहाँ पे उतरे हैं, कुमार हट्टी करके है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में जाएंगे और यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। मैं तो नहीं पर अंकित नाश्ता करेगा, ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे नाश्ता आ गया है और ये कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में है क्या है, प्याज के पराठे, चाय, दही। कैसा हो रहा है? ठीक है। ठीक है, मतलब उतना अच्छा नहीं, ठीक एवरेज एवरेज। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतना सुंदर व्यू तो है ये रेस्टोरेंट, यहाँ बाहर भी इसका बैठने का, पर ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, बहुत तेज वाला, बहुत ही तेज वाला ठंडा हो रहा है, और अकेला हम यहाँ पे बैठे हुए हैं केवल। नहीं खा रही हूँ, नहीं नहीं नो नो। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं सोलन, और भाई सोलन का मार्केट इतना जबरदस्त है ना कि क्या बताऊं, इतना जबरदस्त, पूरा फैल रखा भाई वो, जैसे ना पिछले ब्लॉग में दिखाया था हमने नैनीताल में, तो नैनीताल से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा भाई, इतनी सुंदर देखो ना तुम, और जबर लाइट इतने सुंदर बना रखना टूरिस्ट प्लेस, क्या मस्त है। यहाँ से अभी मतलब 48 या 46 के करीब होगा, तो अभी देखते हैं। हाँ तो हम सोलन पहुँच गए हैं, तो अभी यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि रास्ते पर सोलन का मार्केट भैया, दिल्ली में शिमला साहब